पांचवें टेस्ट मैच का दूसरा दिन समाप्त हो चुका है खेल और यहां पे हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया अभी फिलहाल में 255 रन से आगे है, यानी टीम इंडिया ने बना लिए 473 रन बना लिए 8 विकेट के नुकसान पर। तो यहां पे ये मुकाबला बड़ी इंटरेस्टिंग पोजीशन में पहुंच चुका है। देखिए इंडिया की टीम ने अच्छा परफॉर्म किया है, आज शुभमन गिल का शतक हुआ, रोहित शर्मा का शतक हुआ, उसके बाद में देवता पाडिकल का शानदार डेब्यू हुआ, उन्होंने 65 रन बनाए, उसके अलावा का सरफराज खान ने भी 50 लगाई। तो जो हमारे टॉप 5 जो बैट्समैन थे इंडियन टीम के, उन्होंने 50 प्लस स्कोर बनाया है। तो ऐसा 66 ईयर्स बाद हुआ, यानी इससे पहले 1956 में ऐसा हुआ था कि टॉप 5 बैट्समैन ने 50 प्लस स्कोर बनाया था, उसके बाद में अब हुआ है, यानी आज के दिन हुआ है टॉप 5 बैट्समैन ने 50 प्लस रन बनाए हैं। और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है टीम इंडिया के लिए और इस मैच में जो है शानदार पकड़ मजबूत कर ली टीम इंडिया ने। अब कुलदीप यादव और बुमराह ने की भी अगर तारीफ करें उतनी कम है, क्योंकि देखिए 427 पे 8 विकेट हुई थी यहाँ इंडिया की, तो ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ पे इंग्लैंड की टीम को शायद हो सकता है कि बैटिंग आए इंग्लैंड की टीम की तो शायद इंडिया बॉलिंग कराएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और 110 गेंदें खेल दी, 110 गेंदों में 46 रनों की पार्टनरशिप करी है जसप्रीत बुमराह ने कुलदीप यादव ने। तो इससे आप लगा सकते हैं डेप्थ ऑफ बैटिंग इंडिया, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी डेप्थ है बैटिंग में यहाँ पे टीम इंडिया की। तो ये दर्शाता है कि यहाँ पे रोहित शर्मा की तारीफ करनी पड़ेगी, जिस तरीके से उन्होंने दूसरी सेंचुरी लगाई इस सीरीज में, वहीं शुभमन गिल ने भी दूसरी सेंचुरी लगाई, और जब ये दोनों खेल रहे थे ऐसा लगा था कि शायद 300 रन से ऊपर की बढ़त मिल जाएगी टीम इंडिया को, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। फिलहाल में 255 रन से आगे है, अब देखते हैं।